स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक। तो ओरियो मिल्क शेक पीने में बहुत ही टेस्टी और बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसको घर पे हम किस प्रकार से इजीली देके बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये 5 बिस्किट लिए हैं, ये ओरियो चॉकलेट वाले हैं, आप चाहे तो वनीला वाले भी ले सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने चॉकलेट सिरप लिया, ये मैंने हर्षे का चॉकलेट सिरप लिया है, किसी भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। कुछ मैंने ये लिए हैं आइस क्यूब, ग्लास लिया है मैंने ये दूध, ये एकदम ठंडा दूध लिया है मैंने। हम एक जार उसमें इन बिस्किट के टुकड़ों के इस तरह 3-4 टुकड़े करके हम डाल देंगे इस तरीके से। डाल देते हैं हम थोड़ा सा दूध, और बाकी दूध हम बाद में यूज करेंगे। और डाल देते हैं साथ ही 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप, इससे टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा। तो इसको हम एक पेस्ट बना लेते हैं। बिस्किट का अच्छा पेस्ट बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसमें डाल देते हैं हम बाकी बचा हुआ दूध, और वापस एक बार मिक्सी को चला देते हैं। शेक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करने के लिए जिस गिलास में हमें सर्व करना है वो गिलास ले लेते हैं। अब इसमें हम चॉकलेट सिरप से थोड़ा गिलास को हम डेकोरेट कर देते हैं इस तरीके से, और इसको फैला लेते हैं ताकि ये दिखने में बाहर से अच्छा लगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ग्लास। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा ओरियो मिल्क शेक। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़े से आइस क्यूब, और थोड़ी सी ऊपर से चॉकलेट और डाल देते हैं चॉकलेट सिरप। देखिए कितना अच्छा हमारा चॉकलेट सिरप बनके तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा चॉकलेट सिरप बनाने का तरीका या बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।